हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। परमानेंट वैकेंसी है, सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें दोस्तों। यदि आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किया है दोस्तों, तो आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाएगी। हमारे चैनल से सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर आपकी पोस्ट होने वाली है मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट की। पे लेवल फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है और 18,000 से 56,900 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह की आगे हम बात करेंगे। मल्टी स्किल्ड नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आगे पूरी डिटेल हम जानते हैं। यहाँ पर आपका जो जॉब वर्क रहने वाला है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यूज़ ऑफ डोज ऑफ ड्रग, फर्स्ट एड, टाइप ऑफ बेड्स एंड बेड मेकिंग, हाइजीन, सैनिटेशन, और यहाँ पर नर्सिंग केयर, पेशेंट प्रोसीजर, स्टोर मेडिकेशंस वगैरह का, ये आपका जो है आपका यहाँ पर वर्क दिया गया है। आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 12th आपकी बायोलॉजी से मांगी गई है दोस्तों, और रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो। 1 ईयर सर्टिफिकेट आपका एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ्स यानी कि ANM वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्लास सेकंड कोर्स ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास सेकंड कोर्स होता है, जो कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा कराया जाता है। इसके द्वारा किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। GNM, BSc सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशेंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, वैकेंसी जो है वो होने वाली है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी है, यानी कि आर्मी से यह वैकेंसी होने वाली है। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको जो है किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ऑफलाइन रहने वाले हैं। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर 155 टोटल पोस्ट रहने वाली है। अब बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ₹50 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिबल एरियाज़ के लिए जो है कोई फ़ीस यहाँ नहीं रहने वाली है, उनकी फ़ीस यहाँ पर नील बताई गई है, कोई फ़ीस यहाँ नहीं रहने वाली है। फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर जो है फ़ीस पे करनी होगी, और उसकी जो ई रिसिप्ट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी होगी दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है प्योरली ऑफलाइन रहने वाला है। आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एज की बात कर लें उससे पहले हम, तो एज यहाँ पर जनरल के लिए EWS के लिए 30 ईयर्स है, और SC ST के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, यानी कि SC ST के लिए 35 ईयर्स और अदर क्लासेस यानी OBC वगैरह के लिए 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है
फिज़िकल यहाँ पर देना होगा, फिज़िकल टेस्ट भी आपको देना होगा और रिटन एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ लिखा गया है लेटर रिटन एग्ज़ाम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट PET आपको देना होगा, जो कि ट्रेड टेस्ट है, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट है एक तरह से, वो भी आपको देना होगा। ऑफिशियल साइट हम देख लें, BRO.GOV.IN इसकी ऑफिशियल साइट है। आगे एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका। ये आप देख सकते हैं वैकेंसी निकाली गई है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट इंडियन नेशनल मालीज ओनली मेल्स ओनली। तो यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आपको फ़ोटो लगानी होगी, आपका नेम और पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट सेंटर आपका GREF सेंटर पुणे आपका जो है रिक्रूटमेंट सेंटर रहेगा। सीरियल नंबर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर के यहाँ डालने होंगे, कैटेगरी जिससे बिलोंग करते हैं, इसके बाद नेम और फादर नेम और परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पे करी है वो कितना करी है, किस मोड से गया है, एप्लीकेशन पे के रेफरेंस ट्रांजेक्शन डेट अमाउंट सब आपको फिल करना होगा। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको वो भी फिल करना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है दोस्तों। पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी है, 155 आपके लिए पोस्ट है और नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। सैलरी आपकी यहाँ पर 50,000 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकाली जा चुकी है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम इस पर शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ है 20 जनवरी का, यानी कि कल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं दोस्तों। 142 यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, तो उसके वीडियो के लिंक भी हम यहाँ शेयर करते हैं। इनकेस आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब से तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियोज़ का। तो दोस्तों यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।